द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक उत्तराखंड स्थित केदारनाथ धाम के कपाट मंगलवार सुबह दर्शन के लिए खोल दिए गए। केदारनाथ मंदिर के कपाट पूरे विधि विधान के साथ खोले गए। केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी जगतगुरु रावल भीम शंकर लिंग शिवाचार्य ने कपाट खोले और वहां मौजूद भक्तों ने हर हर महादेव के नारे लगाए। मंत्रोच्चारण और आर्मी बैंड के मधुर धुनों के साथ भगवान केदारनाथ के कपाट सुबह 6:20 पर खोले गए। इस मौके पर मंदिर को करीब 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया। हद से ज्यादा ठंड के बावजूद दर्शन करने के लिए यहां हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। मंदिर के कपाट खुलने के बाद श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम में दर्शन किए। हालांकि मौसम खराब होने की आशंका के मद्देनजर सोमवार को श्रद्धालुओं को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। हालांकि जब मंगलवार की सुबह मंदिर के कपाट खुले तो वहां करीब 8,000 के आसपास श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं मौसम विभाग की ओर से 29 अप्रैल तक बर्फबारी और बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है, जिसकी वजह से राज्य सरकार ने रविवार को केदारनाथ के लिए श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन 30 तारीख तक के लिए बंद कर दिया है।